प्रारंभ से ही पुरानी कहावतों और हमारे भारतीय साहित्य में हंस को एक विशेष पक्षी का दर्जा प्राप्त है। इसे दैवीय पक्षी भी कहा जाता है। अक्सर आपने हिंदी कहावतों और साहित्य में हंस को मोती खाने की बात अवश्य ही पढ़ी और सुनी होगी। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि हंस दूध और पानी को अलग करने में माहिर होता है। चलिए देखते हैं संस्कृत के इस छंद को जो जग जाहिर है। नीर क्षीर विवेके हंसालस त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् धुन्नाय कुलव्रतम् पालयिष्यति कः। इसका अर्थ ये है, हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में कौन दूसरा अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। मित्रों, इस छंद में हंस के द्वारा पानी और दूध को अलग करने की बात की गई है। दोस्तों, बस थोड़ा सा धैर्य के साथ बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इस वीडियो में मैं इसी चीज को क्लियर करने वाला हूँ। वास्तव में हंस की सुंदरता को देखकर हमारे पूर्वजों ने यह मान लिया कि हंस एक दिव्य पक्षी है, इसके अंदर दैवी शक्तियां होनी चाहिए, और इस तरह से उन्होंने हंस के पास इन शक्तियों की कल्पना की। इसी प्रकार से हिंदी के एक शोध के अनुसार ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार से हंस पक्षियों में श्रेष्ठ एवं सहज होता है, इसलिए उसकी तुलना मनुष्य से की जाती है। अर्थात हंस को एक आदर्श सज्जन व श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में उपमा दी जाती है। हंस वह व्यक्ति है जो बहुत ही सहज और आदर्श पुरुष है। हंस के मोती चुगने का मुख्य अर्थ किसी आदर्श व्यक्ति के द्वारा लोक कल्याण हेतु उचित मार्ग को अपनाने से होता है। इस चीज को मोती खाने की दृष्टि से देखा जाता है। अर्थात मोती का अर्थ आलतू फालतू चीजों को छोड़कर यहाँ पर बहुमूल्य चीजों को चुनने से है। साहित्य में अलग अलग बातों का वर्णन करने के लिए उपमाओं का प्रयोग बहुत किया जाता है। मैं आपको इसे एक कहावत के हिसाब से समझाता हूँ। एक प्रसिद्ध गीत में कहा गया है कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा हंस चुगेगा दाना दुनका कौआ मोती खाएगा। क्या सच में हंस मोती खाते हैं? अब यहाँ पर हंस का अर्थ एक सुशील और धैर्यवान मनुष्य से है जो कि साधारण जीवन में अभाव युक्त जीवन जिएंगे, जबकि कौवे का अर्थ दो नंबर का काम करने वाले चालाक और चटुकारता करने वाले मनुष्य से लिया गया है जो साधन संपन्न जीवन जीने के लिए सही व गलत को नहीं देखेंगे और हो भी यही रहा है। तो अब बात करते हैं कि वास्तव में हंस क्या खाते हैं। हंस वास्तव में शाकाहारी होते हैं, केवल कभी कभार यह छोटे मोटे कीड़े खा लेते हैं। इनके भोजन में मुख्यतः पत्तियां, झील में होने वाले छोटे मोटे तने, फूल की कलियां इत्यादि होती हैं। हंस की कोई भी प्रजाति मोती नहीं खाती है और ना ही हंस हीरे खाते हैं। यह सब काल्पनिक बातें लोक साहित्य में लिखी गई हैं। हंस का मोती खाने की बात भी एक उपमा है, इसका वास्तविकता से कुछ भी लेना देना नहीं है। दोस्तों, अगर ऐसा होता तो लोग एक भी हंस को जीवित ना छोड़ते, उसके पेट से आसानी से हीरे मोती निकालने के चक्कर में सभी गुमार डालते। दूसरा सबूत यह भी है कि हजारों हंसों को मांस के लिए यूरोप में बहुत अधिक मात्रा में मारा जाता है, किसी एक के भी पेट में आज तक मोती नहीं निकले हैं। दोस्तों, चलिए चलते हैं दूसरी कहावत की तरफ। संस्कृत की एक कहावत पे हंस के अंदर दूध और पानी को अलग करने की गुणवत्ता बताई गई है, और संस्कृत में और भारतीय इतिहास में इसे नीर क्षीर विवेक के नाम से जाना जाता है। तो आखिर ये नीर क्षीर विवेक क्या होता है? अक्सर किस्से, कहानियों और कविताओं में यह कहा गया है कि हंस दूध और पानी को अलग कर देता है। दूध और पानी के मिश्रण में से दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, इसीलिए इसे काफी विवेकशील माना गया है। दोस्तों, इस घटना को नीर क्षीर विवेक के नाम से जाना गया है, लेकिन इसका वास्तविकता से कुछ भी लेना देना नहीं है। हंस दूध और पानी अलग अलग नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्राणी के लिए यह संभव नहीं है। इसका भी तर्क वही है जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हंस की तुलना विवेकशील और धैर्यशील आदर्श पुरुष से की जाती है, और हंस को दूध और पानी को अलग करने से कहने का मतलब यह है कि हंस यानी आदर्श व्यक्तित्व हर चीज को जांच परख कर और जन कल्याण के हिसाब से देख कर ही करता है। यही कारण है कि हंस को एक विवेकशील, धैर्यशील और बौद्धिक मनुष्य के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि पुरानी कहावतों के हिसाब से आपको हंस के मोती खाने और पानी और दूध को अलग करने की बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर इसी तरह की रोचक जानकारियां लाता रहता हूं। यदि आप इन जानकारियों को पाते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब के बगल में घंटी के नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे आपको समय समय पर मेरे चैनल के द्वारा आने वाले वीडियोस प्राप्त होते रहेंगे।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।